Hey everyone, I'm Shilpi and welcome back to my channel. So friends, आज मैं बहुत ही useful video बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए और काफी ज़्यादा मुझसे उस product के बारे में पूछा गया है. It is related to Mac. Obviously, Mac के products काफी पसंद किए जा रहे हैं and you guys love that and I have lot of questions regarding lot of products. Foundation को लेकर भी है. तो foundation को लेकर जो भी आपके questions थे काफी हद तक मैंने Mac Store Tour में clear कर दिए थे. कौन कौन सी रेंज है, कौन कौन से शेड हैं, कौन कौन सी स्किन टाइप के लिए है और जब भी मैं लूंगी परचेज करूंगी तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए फुल रिव्यू करूंगी. और अगर मुझे चांस मिला किसी फ्रेंड का लेकर यूज करने का तो डेफिनेटली मैं उससे भी आपको रिव्यू दे दूंगी बिकॉज आई लव यू गाइस. तो आप लोग जब डिमांड करते हैं ना कि हमें ये चाहिए और इस तरह के वीडियोस चाहिए, यू मेड माय डे रियली. मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकती. आई वॉन्टेड दीज काइंड ऑफ कमेंट्स. रियली आई अप्रिशिएट यू कि आप फुल वीडियो देखते हैं और आप अपना क्वेश्चन रखते हैं. रियली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. इसीलिए मैंने आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सर्च करके, बहुत ज़्यादा यूज़ करके उसको मैं बना रही हूँ. और ये है आज का वीडियो, मैक का फिक्सिंग स्प्रे, दैट इज दिस. और इसकी ये आउटर पैकेजिंग है, दैट इज मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्सिंग स्प्रे. इसको आप जो है काफी वीडियोस में देखा होगा कि लास्ट ऑफ द मेकअप उसको डालते हैं, देन यू थिंक कि यार सिर्फ एक पर्पस के लिए मैं क्यों लूं इसको. तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इसके और भी यूज किस तरीके से आप कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है आपको, आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए क्योंकि काफी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो फ्रेंड्स, मैंने आज तक इसका रिव्यू नहीं दिया है अपने चैनल पर, तो ये रिव्यू भी है और मैं आपको बताऊंगी कि इसको मल्टीपल वेज में आप कैसे यूज कर सकते हैं. मैक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप लेंगे सबकी ब्लैक पैकेजिंग है. इस पे जैसे कि आप देख सकते हैं सारा डिटेल है, यहाँ पे प्राइस भी है. प्राइस जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्योंकि मैं कन्वर्ट करके इंडियन प्राइस में आपको दूंगी. और यहाँ पे लिखा है मैक प्रेप प्लस प्राइम, यानी यू आर क्लियर के व्हाट यू आर गेटिंग. और यहाँ पे लिखा है फिक्स प्लस और इसकी जो मैं क्वांटिटी आपको बता दूं दैट इज 100 ml. मैंने बड़ी बॉटल ली है, इसकी छोटी बॉटल भी आती है इस तरह की है. और ये भी आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू ट्राई, क्योंकि आप अगर नहीं चाहते कि आप इतना ज्यादा स्पेंड करें इसमें तो आप ट्रायल पैकेज के लिए आप ये भी ले सकते हैं. अच्छा, अंदर की बॉटल कैसी है इसका कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है. जब भी आप ओपन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी इनर पैकेजिंग इस तरह की है. तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग और इसके बारे में बता दूं यहाँ पे भी सब कुछ मेंशन है. आपको सारे जो बाहर मेंशन था वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है सिवाय प्राइस के. अच्छा, ये सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, ये इसमें जो लॉक आता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इससे प्रोडक्ट आपका, कभी आपकी बॉटल गिरी या आपका प्रोडक्ट सूख गया या एक्सपायर हो गया जल्दी या खराब हो गया, आपको लगता है स्मेल आ रही है कुछ ऐसा, इसके लिए इन्होंने ये लॉक बनाया है. तो ये जो है अभी ओपन है, तो जस्ट इसको मैं इस तरह से घुमाऊंगी और आप आवाज सुन रहे इस तरह से, बस ये लॉक हो जाएगा. तो हमेशा इसे यूज करने के बाद आप इसे जरूर 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 इसको लॉक करें, क्योंकि मैंने जो मैक में काम करती हैं जो वहाँ का स्टाफ है उनसे पूछा था कि इसकी लाइफ कितनी होती है, तो उन्होंने कहा था कि इसकी 2 साल तक है. और 2 साल तक भी तब है जब आप इसको लॉक करके रखेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट जो है फैल जाएगा, उड़ जाएगा या इसमें स्मेल भी आने लगेगी. तो अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको 2 साल तक रखें तो आप इसको हमेशा लॉक करें. और लॉक का मतलब ये है कि फुल सील पैक हो जाता है और इसको फुल ओपन करने की आपको जरूरत नहीं है बिकॉज यही स्प्रे है. जैसे आप इसे पुश करेंगे यहाँ से आपको स्प्रे मिलेगा. तो ये है इसकी डिटेल. अब मैं बताती हूँ आपको यूज कैसे करना है. तो सबसे पहला यूज है इसका कि जब भी आप मेकअप करते हैं उससे पहले आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है. बेसिकली अगर आपकी ड्राई है या ऑयली है, ज्यादा स्वेटिंग है या आपकी ड्राइनेस नहीं जा रही है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है कि आप मेकअप से पहले जस्ट इसको, मतलब जस्ट फेस वॉश किया आपने और उसके बाद आपने उसको ड्राई किया और जस्ट इसको स्प्रे कर लिया इस तरह से, तो उसके बाद क्या होगा, और उसको पोंछना नहीं है, जस्ट उसको सेट होने दीजिए.
तो उसके बाद आपकी ड्राइनेस चली जाएगी और आपको अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है तो इट इज़ लाइक अ प्राइमर ऑन योर फेस। और अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं इसके बाद तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो ये है, एक प्राइमर का काम कर सकता है और एक आपको जो है स्किन आपकी प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा है। और मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग सिर्फ लास्ट में डालने से नहीं होता, जब भी आप स्किन जो है आपकी अच्छे से प्रिपेयर होगी तब जाके मेकअप जो है आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी और जो भी कॉस्मेटिक आप यूज कर रहे हैं उसका असर आपकी स्किन पे नहीं होगा, जिसका असर है कि आप पिंपल्स हो जाएंगे, आपकी ड्राइनेस हो जाएगी, डल हो जाएगी या किची किची हो जाएगी आपकी स्किन, बेसिकली वो सब नहीं होगा। तो मेकअप शुरू करने से पहले आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज इज कि जब भी हम आई शेडोज यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ग्लिटर आई शेडोज हैं वो इतने अच्छे से पिक नहीं होते, स्पेशली ब्रशेज में। अगर आप फिंगर से यूज करेंगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार ब्रशेज में तो बिल्कुल भी नहीं आते वो, मतलब कितनी भी अच्छी पैलेट ले लो ग्लिटर्स तो आते ही नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आप एक ब्रश लीजिए, दैट इज अ फ्लैट ब्रश, और फ्लैट ब्रश ही हम यूज करते हैं जब भी हमें ग्लिटर्स यूज करने होते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्लिटर्स। तो इसके लिए आप एक फ्लैट ब्रश लीजिए। अब मैं इस पे थोड़ा सा स्प्रे करूंगी इसे इस तरीके से, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना अच्छा इसका पिगमेंट आ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट वे है, अगर आपके कई बार लगता है हमें कलर्स अच्छे नहीं है, इसके शिमरी शेड्स अच्छे नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि शिमरी शेड्स हमेशा ही अगर आप फिंगर से लगाएंगे तो अच्छे हैं, और या आप इसको अगर आपको ब्रश से लगाना है तो आप फिक्सिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आईब्रोज के लिए कैसे यूज करना है कि जब भी हम अपने आईब्रोज फिल करते हैं, अगर आपके पास एक पाउडर आईब्रो पाउडर है तो जो पाउडर फॉर्म में है बेसिकली, अगर आप उसे फिल करेंगे तो थोड़े टाइम बाद जब वो स्वेटिंग आएगी तो उसके बाद वो नीचे निकलने लगेगा, यार आपका हार्ट टच हो गया तो आ गया थोड़ा सा। तो उसको सेट करने के लिए क्या, मार्केट में बहुत सारे जेल आईब्रो सेट्स आने लग गए हैं, जैसे कि उसमें जेल होता है और जब भी आप उसे यूज करेंगे तो आपकी आईब्रोज जो है फिक्स हो जाएंगी। लेकिन लेट मी टेल यू कि जब भी मैंने वो यूज किया है मुझे इतना स्टिकी फील हुआ है कि मैं थोड़ा सा भी ऐसे करती हूँ ना तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है, आपके पास जो भी मटेरियल है आप आईब्रोज फिल कीजिए और एक प्लेन स्पूली ले लीजिए इस तरह की। ये प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है, मस्कारा की नहीं है, ये प्लेन स्पूली है। और मैं आपको बता दूं अगर आपको वैसे हैं कि ये फ्री मिलती है मैक में, अगर आप एक या दो लेंगे तो आप ले सकते हैं इस तरह की। तो इस पे आप ये स्प्रे डालिए और इसके बाद अपनी आईब्रोज पे इसको सेट कर दीजिए और आपकी आईब्रोज जो है वहीं की वहीं रहेंगी और स्टिकी भी नहीं होंगी और कलर भी बाहर नहीं आएगा। दिस इज द बेस्ट वे व्हाट आई फाउंड फॉर माय आईब्रोज, क्योंकि मेरे जो है हेयर बहुत कम है और उड़े उड़े रहते हैं ये ज्यादा। तो इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है, मैंने सोचा कि मैं जेल वाला ले लूं आईब्रो सेट, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो, अभी तक तो पसंद नहीं आया, मे बी कुछ अच्छा निकल जाए, तो मेरे लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन रहा है। तो इसके बाद मैं बात करती हूँ अपना नेक्स्ट पॉइंट का। अभी भी हम जेल लाइनर लेते हैं वो ड्राई हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। ये तो मेरा मैक का है, थैंक गॉड कि ये ड्राई नहीं हुआ, लेकिन मेरा मेबलिन का जेल लाइनर जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं जो है ये थोड़ा सा स्प्रे डालूंगी, देख सकते हैं कि कितना इजीली 1 सेकंड में मैं अपना जेल लाइनर यूज कर सकती हूँ। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे, क्योंकि एवरी टाइम जब भी रखूंगी वो सूख जाएगा, फिर यूज करो फिर वो सूखा हुआ मिलता है, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड क्या करूं। उसके लिए मुझे ये सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। अच्छा, उसके बाद है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, आप फिनिशिंग स्प्रे, हम किस तरीके से इसको फिनिशिंग स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपने पूरा मेकअप कर लिया उसके बाद आप इसे स्प्रे कीजिए। डोंट वरी, कई बार लगता है यार ये पानी सा क्या है, पूरा मेल्ट ना हो जाए। नो, दिस इज नॉट वाटर, इट इज इन अ वाटर फॉर्म बट इट इज नॉट वाटर। ये आपके फेस पे सेट हो जाएगा। इस तरह से स्प्रे कीजिए, बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं करना है कि मेकअप निकल के आ जाए, जस्ट 2 or 3 pumps, और थोड़ा सा दूर रखे और आईज को हमेशा क्लोज रखिए, तो बस आपका जो मेकअप है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, जो हम चाहते हैं। हम अच्छे अच्छे ब्रांड्स लेते हैं ताकि मेकअप जो जाए नहीं, वाटरप्रूफ लेते हैं
फिर भी कई बार जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है उनका मेकअप रिमूव हो जाता है, तो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट कि आप मेकअप करने के बाद ये सेटिंग स्प्रे लगा दीजिए। सेटिंग स्प्रे मतलब आपका मेकअप या आपका फेस पूरी तरह से सेट हो गया है अब जाने के लिए और पार्टी करने के लिए। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर पे इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इसे जस्ट स्प्रे कीजिए यहाँ पे और आप कोई भी फाउंडेशन या कोई भी कंसीलर है बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होगा। तो मैं जो है वाटर यूज नहीं करती अपने ब्यूटी ब्लेंडर के लिए, मैं हमेशा इसे यूज करती हूँ। नाउ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास बहुत ही थिक फाउंडेशन है और बहुत ही फुल कवरेज फाउंडेशन है और आप उसे इतना ज्यादा कवरेज नहीं चाहते हैं, आप उसे शीयर कवरेज चाहते हैं, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है आप थोड़ी सी अपनी फाउंडेशन लीजिए, उसके ऊपर ये फिक्सिंग स्प्रे डालिए और उसके बाद इसे यूज कीजिए। तो ये एक जो है आपको एक शीयर लुक दे देगी, ये बेसिकली एक बीबी क्रीम वाली जो है वो कवरेज हो जाएगी। नाउ कई बार हम प्रोडक्ट लेते हैं और पिगमेंटेशन की उनमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हाइलाइटर्स होते हैं, हम देखते हैं लगाते जाते हैं आता नहीं है, एट द एंड कई बार बहुत ज्यादा मैस हो जाता है, बिकॉज हाइलाइटर जो है वो लास्ट में लगाया जाता है। अगर आपको वो खराब हो गया तो बेसिकली आपका फुल मेकअप खराब हो गया, उसको हटाने के चक्कर में काफी कुछ हट जाता है, फाउंडेशन कंसीलर एंड सब कुछ हट जाएगा। तो उसको यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप हाइलाइटर लगाएं उसके बाद थोड़ा सा जो है ब्रश में आप फिक्सिंग स्प्रे आप डाल लें, देन आप लगाएं, तो वो जो है एक तो सेट हो जाएगा, एक आपको बहुत ज्यादा हाइलाइटर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं हाइलाइटर ब्रश में थोड़ा सा पंप लूंगी और इसको इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, पिगमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, चाहे आई शेडो के हों या हाइलाइटर के हों। तो इस तरह से आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, एज अ हाइलाइटर नहीं, हाइलाइटर के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर बेबी हेयर्स। जब भी मेरे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब भी मैं बन बनाती हूँ कुछ भी, मेरे सारे बेबी हेयर्स जो है वो सारे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है अपने हाथ में पंप में और इस तरीके से रखना है और अपने जो है बालों पे थोड़ा सा आप इसे सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी बेबी हेयर्स हैं वो दब जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बनाया गया है वो आपके स्कैल्प के लिए, बालों के लिए, अगर आपके सेंसिटिव हैं बहुत ज्यादा, तो कितना अच्छा होगा। तो ये है मेरे सारे तरीके फिक्सिंग स्प्रे को यूज करने के। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लेती हूँ मैं सोचती हूँ कि इसको मैक्सिमम मैं कैसे यूज करूँ, स्पेशली जब प्रोडक्ट हो मैक का और जब प्रोडक्ट हो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, तो बेटर है आप उसके अदर वेज भी ढूंढें जिससे कि आप उसे फुल यूज करें, ना कि एक्सपायर हो जाए लास्ट में। तो ये है मेरे तरीके मैक फिक्सिंग स्प्रे यूज करने के। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और कैसे वीडियोस आप चाहते हैं मेरे चैनल। प्लीज फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आप लोग शायद मुझे वहां पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पे है तो प्लीज इंस्टा फैम लिखिए वहां पे #instafam और वहां पे भी मुझे बताइए अगर आप यूट्यूब से हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।